Hello everyone, मेरा नाम है विक्रम खंडेलवाल. I am a digital marketing expert and forever business owner. आज मैं आपसे एक बहुत ही important topic पे बात करने आया हूँ जो कि शायद आपके business को खत्म कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है. देखने को तो ये थोड़ा सा ignored बात है, लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, but इस चीज़ पे भी focus करना बहुत important है. ये backend पे चलता है ये चीज़, but अगर आप इस चीज़ को ignore करेंगे तो अंदरूनी रूप से आपका business खोखला होता जाएगा. तो आपको अगर आप इस चीज़ पर ध्यान दे देंगे तो आपका बिजनेस फाउंडेशनल वाइज भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम जिस बिजनेस में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या कोई भी बिजनेस, सबसे पहला चीज़ ये बिजनेस है. दूसरा चीज़, किसी भी बिजनेस सिर्फ एक ही चीज़ से चलता है, जो है सेल्स. जब तक सेल्स नहीं आएगा तब तक किसी को कमीशन नहीं आएगा, चाहे हम हो या कंपनी हो, कोई भी नहीं, किसी को भी पैसे नहीं आएंगे, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो. हमेशा हर बिजनेस का ऑक्सीजन होता है सेल्स. तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सेल्स नहीं करना चाहता तो आप बिजनेस भी मत कीजिए. बट सेल्स जो चीज़ है ना, यहाँ पे अलग टाइप से सेलिंग होती है, यहाँ पे कंसल्टेटिव सेलिंग होती है, राइट. आप बाहर जो देखते हैं, सेल्स भी बहुत टाइप का होता है. यहाँ पे जो होता है, यहाँ रिकमेंडेशन बेस्ड सेलिंग, वर्ड ऑफ माउथ सेलिंग एंड कंसल्टेशन बेस्ड सेलिंग होता है. तो ये थोड़ा डिफरेंट है, आप इसको सीख के डेफिनेटली कर सकते हैं. और सेल्स जो चीज़ है ना, वो एक आउटकम होता है, राइट. आप सेल्स करते नहीं है, सेल्स एक रिजल्ट है. आपने मेहनत की, आपने आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए. आपके मार्क्स जो एग्जाम में अच्छे आए वो सिर्फ एग्जाम लिखने से नहीं आए हैं, वो मेहनत करने से आए, तो वो एक रिजल्ट है. सिमिलरली सेल्स के पीछे मेन गेम है मार्केटिंग का, राइट. नेटवर्क मार्केटिंग मतलब अपने टीम के थ्रू मार्केटिंग करना. मार्केटिंग का सिंपल मतलब है अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को, अपने पोटेंशियल कस्टमर को एजुकेट करना. किस चीज़ के बारे में एजुकेट करना? आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप सामने वाले की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उस बारे में एजुकेट करना. सामने वाले को प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो प्रोडक्ट दो, अगर अपॉर्चुनिटी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो बिजनेस दो, राइट. तो मार्केटिंग करना मतलब एजुकेट करना अपने पोटेंशियल कस्टमर को सही तरीके से. और नेटवर्क मार्केटिंग मतलब आप अपने टीम के थ्रू एजुकेशन बढ़ा रहे हो, राइट. नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन लेना और एजुकेशन देना. तो बात हो रहा था सेल्स का. सेल्स एक आउटकम है जिसके पीछे मेन गेम है मार्केटिंग, जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं. अब मार्केटिंग के अंदर भी बहुत चीज आता है, बट जिस चीज के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ मार्केटिंग के अंदर भी, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग, राइट. जो मार्केटिंग तो हम बहुत चीज समझते हैं, कॉन्टेंट मार्केटिंग करते हैं हम, बहुत टाइप के मार्केटिंग करते हैं, बट एक टीम के साथ, ये बिजनेस है टीम का. जब तक टीम के साथ चीजें ठीक नहीं होंगी तब तक आपका बिजनेस बिल्डअप नहीं होगा. तो मार्केटिंग के अंदर भी एक चीज आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग, कि आपकी टीम के साथ, आपके ऑडियंस के साथ, आपको जो देख रहे हैं, आपको जो सुन रहे हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, राइट. और नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग विद योर नेटवर्क. आपकी जो भी नेटवर्क बन रही है ना, आप उनको किस तरीके से एजुकेट कर रहे हो, आपका कैसा कनेक्शन है उनके साथ, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो उनके साथ, इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप. बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, ठीक है. द बेटर रिलेशनशिप यू मेक, द बेटर नेटवर्क इट विल बी, एंड नेटवर्क अच्छा होगा तो आपका बिजनेस भी आगे अच्छा बढ़ेगा. नेटवर्क मार्केटिंग में तो डायरेक्टली टू द पॉइंट बात होती है. नेटवर्क मार्केटिंग मतलब नेटवर्क बना के मार्केटिंग करना, नेटवर्क बना के बिजनेस बिल्डअप करना. बाकी बिजनेसेस भी, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो या ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, वहां भी लोग नेटवर्क ही बना रहे हैं, वहां भी लोग लोगों से रिलेशनशिप ही बना रहे हैं, वहां भी लोग अच्छा बर्ताव करते हैं, उन्हीं का अच्छा काम चलता है, राइट. जो बेटर सर्विस देता है उन्हीं का काम चलता है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट बिल्डिंग रिलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग रिलेशन ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑडियंस के साथ. क्योंकि मैं विक्रम खंडेलवाल, मैं एक टीम के साथ एसोसिएट हूँ, मैं उसका को फाउंडर भी हूँ, द TLF टीम, द लीडरशिप फैक्ट्री. वहां पे हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 100% ऑनलाइन बिल्ड करते हैं. तो मैं अभी फिलहाल बात करूंगा कि ऑनलाइन ऑडियंस से आप कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो. और उसका एक ही सोल्यूशन है, वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग, राइट. कि आपको पहले देना होगा, उसके बाद आपको कुछ मांगना होगा. एकदम सिंपल है. पहले देना, पहले हाथ, जब किसी से मांगते हैं ना तब भी हाथ फैलाते हैं, तो इससे अच्छा पहले आप दो उसके बाद मांगो. पहले आप लोगों को वैल्यू दो, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करो, ठीक है. क्या चीज ऐसे कर सकते हो कि लोगों का लाइफ पहले से और बेटर हो. जब आपका क्रेडिबिलिटी बनता है, जब आपका अथॉरिटी बनता है, जब सामने वाले को समझ में आता है कि दैट पर्सन केयर्स अबाउट मी, कि वो मेरे लिए केयर करता है, वो इतना वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जिसके लिए मेरा लाइफ इजी होता जा रहा है, उसके बाद ही आप अगर किसी से बोलोगे कि मेरा ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो लोग आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे, लोग आपके साथ काम भी करेंगे. तो ऑनलाइन ऑडियंस के साथ कैसे आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, उसके बारे में बात करूंगा.
अब ये सब करना कैसे है, पहला चीज आप वीडियो कंटेंट के थ्रू कर सकते हो। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप वीडियो के थ्रू भी अगर कर रहे हो, वैल्यू प्रोवाइड करो। हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्टली सेल्स पिच नहीं करना कि आओ मेरे साथ ज्वाइन कर लो, ऐसे कोई नहीं करता। आपको पहले रिलेशन बिल्ड करना है। जब तक आपको लोग लाइक नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ लोग काम नहीं करेंगे। और उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए पहले आपको देना सीखना होगा, राइट। आपको वैल्यू देनी होगी, आपको अपने तरफ से कुछ ऐसा देना होगा जो सामने वाले के लिए चीजें इजी कर दे। ईमेल मार्केटिंग का यूज करो। देखो लोग आज के डेट में फोन कॉल्स पे रेडी नहीं है बात करने को, व्हाट्सएप पे भी इरिटेट होते हैं, तो ईमेल्स जो है वो आज से पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ईमेल मार्केटिंग सीखो। ईमेल्स के थ्रू रेगुलरली आप बेटर लॉयल कस्टमर कैसे बना सकते हो वो सीखना चाहिए आपको। उसके बाद आप गाइड्स दो, ई बुक्स दो, चेकलिस्ट दो, स्ट्रैटेजी शीट्स दो, ठीक है। उनके लिए कुछ ऐसा जो आप पहले से कर चुके हो, उनको बस देख के उसको यूज करना हो और उनका चीजें आसान हो जाए, राइट। वैसा चीज करो। पर्सनलाइज माइक्रो वीडियोस बनाओ। किसी कस्टमर से आपको बात करना है, उन तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, लिखो मत, एक छोटा सा फ्रंट कैमरा सेल्फी वीडियो बनाओ और उनको भेजो, उनको वो बेटर कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है। जब भी कोई आपका कोई कंटेंट देख रहा है, कोई आर्टिकल पढ़ रहा है, उसको ऐसे लिखो जो कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, जो आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है उनसे रिलेटेड होना चाहिए। आप अपनी बात मत लिखो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप ऐसे लिखो कि सामने वाले को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, जो भी इसको पढ़ रहा है उनका लाइफ पहले से एटलीस्ट 0.1% बेटर बना दो। कुछ ऐसा करो जिससे उनका टाइम और एनर्जी दोनों सेफ हो। तो ऐसे अगर सामने वाले को आप वैल्यू देख के काम करोगे, वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग करोगे, तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप किसी से फिजिकली मिल रहे हो, ये गलती मैंने अक्सर लोगों में देखी, नेटवर्क मार्केटिंग जो फिजिकली करते हैं, जो पुराने तरीके से करते हैं, वो हमेशा जब भी अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं वो हमेशा बिजनेस के बारे में बात करते हैं। कभी कभार अगर काम नहीं चल रहा होगा तो उनको डीमोटिवेट भी कर देंगे, अरे कितना बिजनेस हुआ, अगर कितना सीसी हुआ, कितना बीवी हुआ आपका, कितना पॉइंट हुआ आपका, आप ठीक से काम नहीं कर रहे, डीमोटिवेट कर देंगे तो टीम तो वहीं खत्म हो जाएगी, राइट। तो ऐसे कभी नहीं करना, कभी भी अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ उनको डीमोटिवेट नहीं करना, हमेशा उनको मोटिवेट करना है। और हमेशा बिजनेस के बारे में बात नहीं करना, कुछ उनके बारे में बात करो, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट जो होते हैं ना, जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं, वो कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, वो आपको ज्वाइन करते हैं। उनको सुनना शुरू करो, उनसे बेटर क्वालिटी क्वेश्चन पूछो, उनके प्रॉब्लम का आंसर उनके क्वेश्चन में ही छुपा होता है, राइट। उनको समझो कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये आपके लिए नहीं है, आपका बिजनेस पूरा पूरी आपकी टीम पर डिपेंडेंट है। इट इज ऑल अबाउट योर टीम, इट इज नॉट अबाउट यू। अगर आप इस रिलेशनशिप मार्केटिंग को समझ गए, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है प्रॉस्पेक्ट या टीम के साथ, अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ, अपने ऑडियंस के साथ, आप आधा गेम यही जीत जाओगे। तो आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी देगा और थोड़ा सा आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करेगा बिजनेस को लेकर, क्योंकि कोई भी बिजनेस चलता है सेल्स के वजह से, सेल्स आता है मार्केटिंग के वजह से, और मार्केटिंग स्ट्रांग होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग से, चाहे वो ऑडियंस के साथ हो, कस्टमर के साथ हो या टीम के साथ हो, राइट। अगर आपको मेरे साथ बिजनेस करना है, मेरे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग टीम के साथ, जिसका नाम है TLF, द लीडरशिप फैक्ट्री, जहां हम 100% बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करते हैं, और अगर आप इस टीम का पार्ट बनना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यही टीम क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं, राइट। हम क्या अलग कर रहे हैं, हम बाकियों से दो स्टेप आगे चल रहे हैं। हमारा जो लर्निंग सिस्टम है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल ऐप बेस्ड लर्निंग सिस्टम है। आपको VIP फेसबुक ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जहां पे और भी रेलेवेंट डिटेल्स आपको सिखाई जाएंगी। आप पहले सीखोगे, फिर बिजनेस करोगे, और साथ साथ कैसे कमाना है। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग सिस्टम है, मतलब सिर्फ एक जन का हेल्प नहीं मिलेगा आपको, मेरे पूरी टीम में जितने भी लोग हैं, 200-500 लोग हैं, वो सारे आपको हेल्प करेंगे। सब डिजिटल नेटवर्क मार्केटर्स है, सब डिजिटल, सबके पास डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स है। एक एक यूट्यूब चैनल है, आप मेरा पर्सनल मेंटरशिप तो आपको मिलेगा मेरे साथ साथ। मिस्टर तरुण अग्रवाल, आप उनको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, 55K फॉलोवर्स है। मिस्टर शुभम रोहिल, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, 30K प्लस फॉलोवर्स है। उससे बड़े लीडर्स है, उनका भी पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगा। जो चीज़ ऑलरेडी वो कर रहे हैं वही वो सिखाएंगे, राइट। आपको यूट्यूबर कैसे बनना, आपको इंस्टाग्राम एक्सपर्ट कैसे बनना, आपको कोरा मार्केटिंग कैसे सीखना, ईमेल मार्केटिंग कैसे सीखना, हर चीज़ आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अराउंड कैसे 5-6 इनकम सोर्सेस आप बना सकते हैं, जो कि आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ही ग्रो करेगा, वो भी आप सीख सकते हैं। आप ऐसे आपका पर्सनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप यहाँ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं, ऐसे बेटर इंसान बन के उभर सकते हैं यहाँ से निकल के। मेरे कहने का मतलब है, आप अपने पर्सनल जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स जो भी हम कर रहे हैं 100% ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कैनवा सीख सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग सीख सकते हो,
आप कन्वर्ट किट सीख सकते हो, बहुत चीजें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स हैं जो आप नेटवर्क मार्केटिंग करते करते सीख सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू यहाँ मिला होगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो। लोगों को पता चलना चाहिए, ये जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हमारी इंडस्ट्री स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। See you in the next video.